हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, माता रानी से प्रे करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बट मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। टाइटल पढ़ के, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, और समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूँ आप लोगों से, कैसे बताऊँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सच बताऊँ, एक हफ्ते हो गए, पूरे एक हफ्ते। आज ये वीडियो मैं सैटरडे को बना रही हूँ, सुबह के टाइम में। घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। पूरा एक पिछले सैटरडे की बात है ये। एक हफ्ते लगा मुझे हिम्मत इकट्ठा करने में, आप लोगों के सामने इस बात को रखने में। मेरी कोई भी इस टाइम पे वैसे कोई वीडियो नहीं जा पा रही है। कुछ जो भी गैलरी में पड़ी थी, घर में जिसको भी टाइम मिलता था कर देते थे, पोस्ट कर देते थे, आप लोगों तक भेज देते थे। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कैसे बताऊँ, ये दौर, ये महामारी का दौर हर किसी पे, कहीं ना कहीं हर हर इंसान दुखी दिख रहा है मुझे। किसी के घर में, किसी के रिलेशन में अगर कोई बच्चा है तो ऊपर वाले से प्रे करो कि बहुत, मतलब आप बहुत लकी हैं कि आपके यहाँ इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और भगवान करें, माता रानी करें कि कभी भी ना आए। पूरे टाइम आप अच्छे से रहें, सेफ रहें। मेरी ना, मुझे ना, मेरी मेरी मतलब अंदर से मैं कांप रही हूँ इस बात को बोलने में। मेरी मम्मी, सासू मम्मी जो है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आईसीयू में है। अभी तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे नहीं बोलेंगे क्योंकि थोड़ा सा है, मतलब ठीक है पहले से, क्योंकि एक हफ्ते हो गए पिछले सैटरडे को। मैं आपको ना कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ। मेरी ना मम्मी को वैक्सीन लगवाने के बाद जो नॉर्मली सबको फीवर आता है ना, वही फीवर आया। और यही हुआ कि मम्मी पापा, मतलब मेरे ससुर जी और सासू माँ दोनों लोगों ने लगवाया था। तो ये हुआ कि दो, मतलब नॉर्मली फीवर आता है और मम्मी के साथ भी वैसा ही हो रहा था। तो हम लोग को लगा कि चलो थोड़ा सा पैरासीटामोल लिया एक दो दिन। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब बाहर डॉक्टर को दिखाया, नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ जो इधर डॉक्टर हैं आसपास, उनको दिखाया। उन्होंने उनको दवा दी, आराम होता था, फिर फीवर हो जाता था। ऐसे थोड़े दिन से चल रहा था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। जिस दिन नवरात्रि स्टार्ट हुई थी ना, उस दिन मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। फिर मेरे हबी लेके गए, मम्मी को दिखा के लेके आए, तो मम्मी को काफ़ी रिलीफ हो गया था। और मुझे दिन नहीं याद है नवरात्रि किस दिन से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद सैटरडे, हाँ सैटरडे वाले दिन की बात है, सुबह सुबह पापा ने इनको आवाज़ दिया तो ये गए, और वहाँ से आए तो मुझे बोले कि काढ़ा बनाओ। मैं काढ़ा बना ही रही थी कि इनकी आंखों में आंसू है, देखा। सो थोड़ा सा मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा हो सकता है थोड़ा सा ऐसे ही हो। फिर उसके बाद मैंने जब थोड़ा ज़्यादा देखा तो मैं पूछा क्या हो गया, बोले मम्मा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप समझ सकते हैं इस टाइम पे अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हो सकता है। और ये रोने लगे। हम दोनों ने फिर मतलब किसी तरीके से ना, वही होता है ना कि एक टूट रहा तो एक को संभालना, मतलब मैंने थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल किया और बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए, लेके जाइए। ये हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे डॉक्टरों ने देखा, कंडीशन देखा, जो कंडीशन थी मम्मी की मेरे, उसको देखते हुए उन्होंने बोला कि कोविड पॉजिटिव है। ये सुनकर मतलब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, घर में कोई नहीं था तो मैं नहीं जा पाई थी, पापा और यही दोनों गए थे, क्योंकि बेटा और मतलब डॉगी वगैरह सब कुछ हैं तो घर ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, तो नहीं गए थे हम। तो मम्मी बोली कि आप घर में रुक जाओ, और ये लोग तो जा ही रहे हैं,
फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि मम्मा को बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है गुड़िया, सॉरी, और मुझे ना ऑक्सीजन की व्यवस्था करना है कहीं से। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थोड़ी ही देर में। सुबह में मम्मी काढ़ा पी के आराम से रिलैक्स यहाँ से गई कि चलो जांच करवा के आते हैं, और वहाँ से मुझे कॉल आया कि ऐसा ऐसा है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन इस टाइम पे मिलना कितना टफ काम है। बट टच गॉड, मतलब मेरे हबी के फ्रेंड लोग इतने अच्छे हैं, उन लोगों को इन्होंने कॉल किया और सारा कुछ अरेंज हुआ। वन मिनट, मेरे हबी का कॉल आ रहा, मैं रिसीव करके फिर आपसे बात करती हूँ। सॉरी, थोड़ा सा ना हॉस्पिटल से मेरे हबी का फ़ोन आ गया था तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा था। मैं क्या बता रही थी, मुझे खुद भी याद नहीं है। फिर हम लोग ना मम्मी को कोविड समझ के 2 दिन घर में रखे, मतलब एक रूम में क्वारंटीन किया मम्मी को। वो रूम में आपको, मेरी हिम्मत नहीं होती उस रूम में जाने की। जब से मम्मी गई हैं हॉस्पिटल, मैं उस रूम में नहीं गई हूँ। जितने भी फ्रूट, जो भी बर्तन वगैरह रखे हैं ना, सब कुछ उसी कमरे में रखा है। मैं उस कमरे में घुसी तक नहीं हूँ। बट मैं कोशिश करके आपको किसी दिन दिखाऊंगी। ऐसे लगता है ना कि पूरा आईसीयू उस रूम के अंदर में है। सब कुछ किया गया सब। फिर 2 दिन हम लोग सैटरडे की सुबह से लेके संडे की शाम तक मम्मी को क्वारंटीन किए थे, और पूरा प्रिकॉशन जितना कुछ होता है सब ले रहे थे। क्या क्या कर रहे हैं इस टाइम पे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो, सॉरी क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और किस चीज़ों को करने से मेरी सासू माँ अभी ठीक है। मतलब आपके आसपास अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा तो कितने परेशान होंगे आप समझ सकते हैं। जिसके ऊपर बीत रही होगी ना, वो समझ सकता है इस चीज़ को। तो प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों तक ज़रूर बढ़ा दीजिएगा, ताकि वो अपनी हिम्मत ना हारे। जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रही है ना, वो हिम्मत नहीं हारी है, कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। मेरी मम्मी की ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे जा रही थी। मतलब सुबह में 88 आया, उसके बाद से मैं बोल नहीं पाऊँगी कितना था। बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया था। रात के शाम के 7 बजे से 2 हॉस्पिटल से जवाब हो गया, कोई नहीं ले रहा था। फिर किसी तरीके से कोशिश करके, क्योंकि बेड वगैरह कहीं पे मिल नहीं रहा है, आपको पता है, किसी तरीके से कोशिश करके करवाया गया एडमिट मम्मी को। और भगवान की दुआ से, आप लोग के सहयोग से ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ मिल ही गया था, सब चल रहा था। बट मम्मा मेरी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। हम सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तब से एक हफ्ते से मेरी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा टूटी जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया कि मैं तब से एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि हर किसी का स्टेटस यही लगा है कि ऑक्सीजन चाहिए, अगर कोई कहीं बेड हो तो बताइए, है ना, इस तरीके का टॉपिक ही चल रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, हाँ, व्यवस्था करिए ऑक्सीजन की और बेड की, लेकिन हिम्मत नहीं हारिएगा। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे ना, तो आपके पेशेंट को कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इसी पे आएगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ मम्मी के लिए या अपने पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज़ है जो एक के बाद एक, हर तीसरे दिन, है ना, बॉडी में आने के बाद तीसरे दिन रिएक्ट करती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कि पहले तो था कि गले में आती थी, फिर ये होता था, वो होता था, कितने सारे सिम्टम्स दिखते थे। बट अभी कुछ नहीं दिखता है, डायरेक्ट हमारे फेफड़े पे अटैक करता है और आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। मैं जितना बोलूँ, जितना बताऊँ ना, 8 दिन की बातें हैं, ख़त्म नहीं होने वाली हैं ये। और मैं एकदम अकेली हूँ ऐसे टाइम पे। किसी को घर में नहीं बुलाया जा सकता, हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं, और घर में ही रह के किस तरीके से अपनी देखरेख कर रहे हैं, अपने परिवार की, अपने बच्चे की देखरेख कर रहे हैं।
वो मैंने कल एक वीडियो डाला भी था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि घर में रखी कुछ चीज़ों से कैसे कुछ हेल्दी बना के हम अपनी फैमिली को खिला रहे हैं और खा रहे हैं। और ठीक है, थोड़ा सा मम्मी अभी ठीक है, पहले से बेटर हैं, जो प्रॉब्लम हो रही थी वो अभी कंट्रोल में है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि मैं अभी ठीक हूँ, और आप लोग प्लीज़ घर में रहिएगा, प्लीज़ आप लोग घर में रहिएगा, अपनी फैमिली को घर में रखिएगा। बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत हो वही बाहर निकले, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से क्या बता रही हूँ क्या नहीं बता रही हूँ, कुछ गलतियाँ हो रही होंगी तो माफ़ कर दीजिएगा, कहाँ से क्या शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट कोई मैं कोशिश करिएगा कि जो अगर कोई बाहर जा भी रहा है तो आते ही उसको तुरंत के तुरंत नहला दीजिएगा, बार बार मतलब मास्क को डबल तिबल करके यूज करिएगा, जैसा कि हम लोग यूज कर रहे हैं इस टाइम पे। मैं अभी सिर्फ कैमरे के सामने यहाँ पे बैठी हूँ, तो मैंने नहीं किया है क्योंकि इस रूम में कोई नहीं है मेरे, मैं अकेली हूँ, घर में ही कोई नहीं है तो रूम की तो बात ही अलग है, तो इस वजह से मैं रूम के अंदर में नहीं लगाई हूँ। दिन रात मास्क लगाना भी सेफ़ नहीं है, मेरे बगल में आंटी हैं वो दिन रात मास्क लगा रखी थी, जिसकी वजह से उनकी सांस फूलने लगी और पूरी फैमिली को लगा कि उनको कोविड है, बट ऐसा नहीं था। जब डॉक्टर के पास उनको लेके जाया गया ना तो ऐसा कुछ नहीं था, ये हुआ कि दिन रात मास्क लगाने की वजह से इनकी सांस फूलने लगी है। तो दिन रात मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा जब अलग रहिए, अपनी फैमिली में भी अगर 4 से 6 लोग हैं तो थोड़ी सी दूरी बना बना के बैठिए, किसी के मतलब करीब में रहन मत रहिए आप लोग, सोना है तो भी थोड़ा सा दूरी दूरी बना के सोइए, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों से कल मिलूंगी, कल इस टॉपिक पे आगे बात करूंगी, क्योंकि बार बार मुझे थोड़ा सा कॉल आ रहा है, मैं देख लेती हूँ इस टाइम पे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मैं किससे बात करूँ ना करूँ, पूरे दिन वही है कि लोगों का कॉल आता रहता है, सबको बताना पड़ता है कि हाँ मम्मी कैसी हैं अभी, तो टाइम भी नहीं निकाल पाती हूँ मैं। बट मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कल कि मैं पूरे दिन अपनी फैमिली को क्या दे रही हूँ और अपनी मम्मी को मैंने क्या दिया 2 दिन घर में रख के, अभी तो नहीं क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल में जो कुछ है वही कुछ मिल रहा है, अभी 2 दिन मैं घर में रख के मम्मी को क्या क्या खिलाई हूँ, किस तरीके से मैंने उनकी देख रेख की है, और 1 हफ्ते हो गया मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरी फैमिली पूरी बिल्कुल सेफ है। बाकी मैं कल की वीडियो में आप लोग से बात करूँगी, कल मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊँगी। थैंक यू सो मच, फिर से मैं आप लोग से कह रही हूँ, एक उम्मीद बना के रखिएगा, हम लोग ज़रूर जीतेंगे इससे, फिर से हम लोग उसी तरीके से एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहेंगे जैसे पहले रहते थे, उम्मीद को नहीं तोड़िएगा। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू, अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इसको।